Hi everyone. Today we will continue the lesson Black Beauty. Check this paragraph on page number 46. And Merrylegs was right. Soon Ginger and I became good friends. We used to pull our master's carriage together. So what happened? Merrylegs ki baat bilkul theek di. जल्दी जिंजर और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए. हम अपने मास्टर का कैरेज को एक साथ खींच दे दे चलाने लग गए थे. वन डे माई मास्टर हार्नेस्ड मी टू हिज डॉग कार्ट टू टेक हिम टू टाउन. ऑन आवर रिटर्न ट्रिप नाइट हैड कम एंड ए स्टॉर्म हैड राइजन. एक दिन मेरा मास्टर ने मुझे एक छोटा घोड़ा गाड़ी दी, उस पर बांध दिया. ब्लैक ब्यूटी का मास्टर उसको एक डॉग कार्ट पे छोटा घोड़ा गाड़ी पे बांध दिया और मुझे मेरे मास्टर को कहाँ ले जाना था? टाउन पर. ऑन आवर रिटर्न ट्रिप नाइट हैड कम एंड ए स्टॉर्म हैड राइजन. मतलब जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, रात हो गई और एक तूफान वहाँ पर आ गया. नेक्स्ट पेज. I was terrified when a huge oak crashed right in front of us and blocked the road. We turned and went the other way along the riverside. We came to a narrow bridge. But when my feet touched the bridge, I felt sure there was something wrong. My master shouted to make me move. He used his whip also. But neither words nor whip could make me move. Kya hai? I was terrified when a huge oak crashed right in front of us and blocked the road. मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया जो ओक ट्री हमारा सामने गिरा और उसने हमारे रोड ब्लॉक कर दिया. We turned and went the other way along the riverside. हम नदी के किनारे जो दूसरा रोड थे वहाँ पर गई. We came to a narrow bridge. हम पतली से एक ब्रिज पर आ गई. But when my feet touched the bridge, I felt sure there was something wrong. लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने ब्रिज को टच किया और मुझे एकदम ऐसे लगा कि यहाँ कुछ तो गलत है. My master shouted to make me move. मेरा मास्टर ने मुझे चिल्लाया भी मुझे हिलाने के लिए. ही यूज्ड हिज व्हिप ऑल्सो बट नेदर वर्ड्स नॉर व्हिप कुड मेक मी मूव. उन्होंने उनका व्हिप भी यूज़ किया. व्हिप क्या होता है? एक ऐसी लकड़ी रहती है, उस पर एक लेदर की स्ट्रिप होती है जो घोड़े को भगाने को काम आती है. बट नेदर वर्ड्स नॉर व्हिप कुड मेक मी मूव. क्या है? नहीं उनके शब्दों से और नहीं उनके व्हिप से मैं चल रहा था. देन ए मैन केम आउट येलिंग दैट द ब्रिज हैड गिवन इन द मिडल. आई शैल नेवर फॉरगेट माई मास्टर्स लविंग वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द सप्पर ही गेव मी दैट नाइट. देन ए मैन केम आउट येलिंग दैट द ब्रिज हैड गिवन इन द मिडल. क्या हुआ? लेकिन एकदम से एक आदमी चिल्लाते हुए रोते हुए आते हैं कि वो जो ब्रिज है वो बीच में से टूटा हुआ है. आई शैल नेवर फॉरगेट माई मास्टर्स लविंग वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द सप्पर ही गेव मी दैट नाइट. और उस दिन मेरा मास्टर ने मुझे थैंक यू बोला. उनका जो लव उन्होंने मुझे एक्सप्रेस किया ताकि मैं उनका जान बचाए. हमारा ब्लैक ब्यूटी ने अपने मास्टर की बात ना मानते हुए अपने मास्टर की जान बचाई और इसकी वजह से उसके मास्टर ने उसे रात को अच्छा खाना दिया और उसे थैंक यू बोला. ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. द एंड ऑफ हैप्पी डेज. देन केम ए सैड डे. आवर मिस्ट्रेस वॉज टेकन सीरियसली इल एंड हैड टू गो अवे टू गॉड्स होम. Our happy days with her and our kind master were over.
Ginger and I were sent to live with a friend of our master. It was a very sad moment for us when we were handed over to our new coachman. Our master came round to pat and speak to us for the last time. His voice sounded very sad. I held my face close to him. That was all I could do to say goodbye. And then he was gone. I have never seen him since. See what happened to Black Beauty? Then came a sad day. Our mistress was taken seriously ill and had to go away to God's home. और बाद में एक दिन एक दुखी दिन आया. हमारे जो मास्टर था उसका वाइफ मिस्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और भगवान की घर चली गई थी. वो मर चुकी थी. आवर हैप्पी डेज विथ हेयर एंड आवर काइंड मास्टर वेयर ओवर. और हमारे उनके साथ और मास्टर के साथ उनके खुशी वाले दिन हैप्पी डेज वो ख़त्म हो चुके थे. Then Ginger and I were sent to live with a friend of our master. और बाद में मुझे और जिंजर को हमारे मालिक के फ्रेंड के पास बेच दिया गया. It was a very sad moment for us when we were handed over to our new coachman. ये मेरे लिए और जिंजर के लिए बहुत ज़्यादा दुख का मोमेंट था जब हमें हमारे नई कोच के पास बेच दिया गया. Our master came round to pat and speak to us for the last time. His voice sounded very sad. हमारा मास्टर हमारे पास लास्ट टाइम आया. उन्होंने हमें दबदबाया. उनकी जो आवाज़ दी वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी. I held my face close to him. That was all I could do to say goodbye. And then he was gone. I have never seen him since. मैं अपना सिर सिर्फ उनका पास लेकर गया और उन्हें गुड बाय बोला बिकॉज और कुछ तो कर नहीं सकता था. और उसके बाद में अभी तक उन्हें एक भी बार नहीं देखा. ओके गाइस, लास्ट पैराग्राफ. अनफॉर्चुनेटली आवर न्यू मिस्ट्रेस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर गॉर्डन्स वाइफ. शी वॉज ए वेरी प्राउड एंड थॉटलेस वुमन. शी मेड लाइफ क्वाइट हार्ड फॉर अस. We often thought of the loving Squire Gordon and his gentle wife, how much they cared for our comfort and happiness. But now all that seemed a sweet dream that had ended forever. Kya hua? Unfortunately, our new mistress was very different from Squire Gordon's wife. Hamari jo new mistress, matlab hamari jo new malkin thi, wo Gordon ki wife se bahut zyada alag thi. She was a very proud and thoughtless woman. वो किसी के बारे में नहीं सोचती थी. वो जो हमारे नई मिस्ट्रेस थी उन्होंने हमारे लाइफ थोड़ी सी कठिन बना दी. She made life quite hard for us. We often thought of the loving Squire Gordon and his gentle wife. हम कभी कभी हमारे जो पुराने मालिक थे Squire Gordon और उनकी वाइफ के बारे में सोचते थे. How much they cared for our comfort and happiness. हम ये सोचते थे कि वो हमारे कितने ज़्यादा हमारी देखभाल करते थे और हमारे खुशी के बारे में कितना ज़्यादा सोचता था. But now all that seemed a sweet dream that had ended forever. और ये सब हमें कैसे लगता है? एक अच्छे सपने की तरह लगते हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. Okay children, we just finished our lesson. Did you like the lesson? क्या आपको ये lesson पसंद आया? Thank you for listening.